यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। फिल्म एक्टर सलमान खान की हत्या की साजिश का खुलासा गुरुग्राम एसटीएफ की टीम ने किया है। दरअसल गुरुग्राम की एसटीएफ की टीम ने हैदराबाद से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे संपत नेहरा को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। आपको बता दें कि संपत नेहरा पर दो दर्जन से ज्यादा हत्या की कोशिश और फिरौती मांगने के मामले हरियाणा सहित कई राज्यों में दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद जब संपत नेहरा से एसटीएफ की टीम ने पूछताछ शुरू की तो संपत ने होश उड़ा देने वाले खुलासे किए। उसने कबूला कि वो फिल्म अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश रच रहा था। एसटीएफ टीम के मुताबिक संपत नेहरा ने कबूला कि वो सलमान खान की हत्या के लिए दो दिन तक सलमान के घर की रेकी भी कर चुका है। साजिश किसी भी तरह से नाकामयाब ना हो इसके लिए बकायदा सलमान के घर के आसपास की टोह लेने के साथ साथ सलमान के आने जाने के समय और सिक्योरिटी की जानकारी भी वो जुटा रहा था। हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान का संपत नेहरा तीन दिन पहले हैदराबाद में पकड़ा गया है और ये बहुत मेहनत के साथ टेक्नोलॉजी के एक्सेलेंस के साथ पकड़ा है। जैसे कुछ अखबार में आ रही है कि जो गर्लफ्रेंड के थ्रू क्लू मिला है वो है ही नहीं, सिर्फ प्योरली ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है और टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस है, इसकी मदद से हमने पकड़ा है।